हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट का रिजल्ट आ चुका है और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन आज का ये वीडियो जिनके हाथ असफलता लगी हो, तो मैं समझ सकता हूँ दोस्त कि दुख तो हो रहा होगा, क्योंकि हमारा एक सपना था और उससे भी बढ़कर हमने उसके लिए मेहनत की थी, पर किसी कारणवश हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो दुख होना लाजमी है। अब ऐसे टाइम पे मैं तुमको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि ये अंतिम जीत या हार नहीं है, रेस अभी बहुत लंबी है दोस्त। और ये पहला हर्डल था, हो सकता है फिनिशिंग लाइन आते आते हम भी जीत जाए और इनफैक्ट जीत ही जाएंगे। बहुत कुछ किया जा सकता है, नीट में नहीं हुआ मानता हूँ, वो अपनी अलग तरीके की परेशानी है, पर अभी है, बहुत सारे ऑप्शंस है यार, अधिकारी बन जाएंगे दोस्त। नीट का सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बन पाए, हॉस्पिटल तो बनवा ही सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे, अच्छा करेंगे। आगे क्या करना है वो किसी और दिन बात कर लेंगे, पर अभी क्या करना है, अभी के लिए तुमको सिर्फ तुम बनना है, वो तुम जो आज से पहले या इस रिजल्ट से पहले तक थे, वो तुम जो दोस्तों के साथ खुलकर ठहाके लगाते हो, वो तुम जो ईयरफोन लगाने के बाद अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हो, वो तुम जो खुद को सबसे बेहतर जानते हो, वो तुम जो समझते हो कि ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक दिन के लिए आया था और इसके अलावा तुम्हारे पास अपनी पूरी बसी बसाई दुनिया है और उससे भी बढ़कर आने वाले बेहतरीन साल है। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, खुद को समझाओ, बस खुद से एक ही बात कहते रहो कि मैं टूटा हूँ, मैं हारा हूँ, पर थका नहीं हूँ, ठोकर खाई है, मैं ठिठका हूँ पर रुका नहीं हूँ, क्योंकि बात अभी भी बाकी है, सीने में आग अभी भी बाकी है। आज भले ही आंख नम है, सामने ये पहाड़ सा गम है, लेकिन मैं नई मंजिलें चुनूंगा, मैं दुगने जोश से रास्ते नापूंगा, इस अंधेरी शाम के परे जाकर मैं अपने लिए सूरज की रोशनी चुनूंगा, क्योंकि बात अभी भी बाकी है, एक आग अभी भी बाकी है। तो क्या हुआ जो एक पड़ाव पार नहीं हुआ, तो क्या हुआ जो एक सपना साकार नहीं हुआ, मैं नए सपने सजाऊंगा, मैं खुद को फिर से तपाऊंगा, मैं अपने लिए अपनों के लिए एक नया सवेरा ले आऊंगा, क्योंकि बात अभी भी बाकी है, सीने में आग अभी भी बाकी है। तो बहुत कुछ बाकी है दोस्त, और सच में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो जीवन के सुनहरे रंगों से भरी हुई कहानियों को जीना बाकी है, अभी तो हम सफर के संग बहुत सारे पसंदीदा शहरों में घूमना बाकी है, अभी तो दोस्तों के साथ गोवा के प्लान बनाने बाकी है जो कैंसिल होते होते किसी दिन पूरे हो ही जाएंगे, अभी हमारा भी पूरा नहीं है। तो उम्मीदों को जिंदा रखो, जिंदगी कभी कभी सख्त हो जाती है, तो बाबा जाकिर ने कहा है कि हम भी सख्त है, इसीलिए जिंदगी में उम्मीदों को बनाए रखिए। ठीक है, और ये सब कुछ होगा जो बाकी है, सब होगा, ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, इसीलिए आज के दिन किसी के बारे में नहीं सोचना, न पड़ोस के अंकल, न दूर की मौसी, आज सिर्फ तुम और तुम्हारे पेरेंट्स, क्योंकि हमारी असफलता सफलता में वो भी बराबर के भागीदार होते हैं, इसीलिए जाओ उनके पास बैठ के मन की बातें साझा करो, थोड़ा सा हल्का लगेगा। और अब जबकि मेरे घर में एक नन्हा बच्चा पल रहा है, तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि बहुत नाजों से पाला है तुमको माँ पापा ने, तुम में जान बसती है उनकी, इसीलिए आज के दिन किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, सभी तरीके के बुरे ख्यालों को जिंदगी से नीचे रख, जिंदगी को सबसे ऊपर रख।
कल की सुबह नई उम्मीदें लेकर आएंगे। तब तक के लिए हो सके तो मुस्कुराएं, खुद को समझाइए, अपने आप मन बहलाइए, अपने पसंदीदा कामों में लग जाइए। ठीक है।